देखिए, हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े और उनके मॉलिक्यूल फॉर्मूले देखे हैं। एक ही मॉलिक्यूल फॉर्मूले के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूले हो सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने और अदर एटम्स हैं। लेकिन वो एटम्स किस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे को, ये आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता सकता है। और एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूले हो जाते हैं। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करें कि हमारे को स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ जाए। यानी इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको ये बताएगा कौन सा एटम किससे जुड़ा हुआ है। ए बी से जुड़ा हुआ है और बी के बाद सी जुड़ा हुआ है, या ए सी से जुड़ा हुआ है, सी के बाद बी जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जब शुरुआत में कम फॉर्मूले थे, मॉलिक्यूल कम थे, तो हमने अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन किया, फिर थोड़ा उसको शॉर्ट में करा। आज इतने फॉर्मूले और इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, मैं चाहता हूँ उसको बहुत शॉर्ट में समझा सकूँ और मेरा वही सेंस निकले जो पहले निकलता था। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम चेंज होता गया। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन, और उसको कैसे हम और शॉर्ट करते जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग डाल लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखिए इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले मैं अलग अलग एक टेबल बना रहा हूं जो अलग अलग तरह से एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना सिखाएगी। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, यानी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले को। ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जिसको हम अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला मेथड है हमारा ए एक्सपांडेड। ये सबसे अर्लियर मेथड था, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर उसके बाद आया बी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर सी नंबर पे आया मेरे पास, वो था बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास ए बी सी तीन तरह से हैं। मैं एक एक करके एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा कैसे क्या वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट, ये है मेरे पास कार्बन, कार्बन हर कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मैंने सारे हाइड्रोजन बहुत तरीके से जमाए हैं और बताया है। हम इतना अच्छे से जानते हैं कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, चार। हर कार्बन की चार वैलेंसी है, इसमें हाइड्रोजन तीन जुड़े हुए हैं, इसमें भी तीन जुड़े हुए हैं, और मैंने हर चीज़ समझाया कि कैसे है, यानी एक एक बॉन्ड इंडिविजुअली समझाया है। यही कंपाउंड मैं यहाँ कैसे समझाऊंगा, मैं सारे हाइड्रोजन को एक साथ कंडेंस करके दिख दूंगा, यानी ये लाइन गायब करनी है मुझे। तो कितने हाइड्रोजन है, तीन। तो ये मेरे लिए हो गया CH3, फिर डैश CH3। यानी मैं कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड को तो बताऊंगा, और चाहूँ तो नहीं भी बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी और शॉर्ट भी कर सकते हैं CH3 CH3। लेकिन ठीक है, हम इतना कंडेंस कर चुके हैं वही बात है। ये हमारा हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी को बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते, हम कार्बन भी नहीं बताते, बस कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम होता है तो हम उसे बताते हैं। ठीक है, तो कार्बन को कैसे बताते हैं, बस इनडायरेक्टली कार्बन को डॉट बताएंगे, और हाइड्रोजन को तो वो भी नहीं बताएंगे। अगर कोई कार्बन डॉट है तो इसका मतलब बाकी की चारों वैलेंसी उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन अगर दो कार्बन है तो दो डॉट होगी और बीच में एक लाइन हो जाएगी। यानी दो डॉट हमारे पास क्या बता रहा है, एक तरह से दो कार्बन को बता रहा है, और बाकी की वैलेंसी यानी चार वैलेंसी में से तीन वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन। ये आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी आप ये जो कंपाउंड है जिसे हम इथेन बोलते हैं, C2H6, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो इसको एक्सपांडेड कंडेंस और बॉन्ड लाइन, यानी सिर्फ हम लाइन लाइन शो कर रहे हैं, बॉन्ड को लाइन की तरह से शो कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, अगर हम इसी को C
तीन कार्बन होते हैं। तो अब हमारे पास CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास कंडेंस हो जाता, ये हमारे पास क्या हो जाता, कंडेंस। और अब हमें इसको यहां शो करना है, तो हमें तीन कार्बन है, हमें बैंड देना पड़ेगा जिससे हमें पता चल सके कि तीन कार्बन है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ दो ही कार्बन है, वो स्ट्रेट लाइन छोटी हो या बड़ी हो दो को ही रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन बैंड बनती है वो अब किसको रिप्रेजेंट करेगी, तीन कार्बन को। तो दिमाग लगा के खुद बता सकते हैं, इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो बाकी की तीन क्या होंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन से दो लाइनें अटैच है यानी दो कार्बन अटैच है यानी कि बाकी के दो वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन। इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है यानी कि तीन क्या होगी, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मेट हुआ थर्ड। मैं एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल ले लेता हूं बीच में से, और ये मेरे पास कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और हर कार्बन के साथ तीन तीन क्लोरीन जुड़ी हुई है सिवाय बीच वाले कार्बन के साथ छोड़कर। तो आपको समझ में आ गया, हर कार्बन की चार वैलेंसी है, और मैं चाह रहा था यहां पर भी Cl लिख दिया जाए, ये आपने Cl लिख दिया, ठीक है। अब इसको कंडेंस करना हो तो हम कैसे कंडेंस करेंगे, देखिए इसके बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, तो जितना कंडेंस कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया CCl3, फिर आप यहां से स्टार्ट करें CCl3, फिर आपने क्या लिखा CH, फिर नीचे क्या है CCl3, ब्रैकेट बना दिया CCl3, फिर उसके बाद एक और CCl3 है, ये CCl3, ये CCl3, ये CCl3 इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी की वैलेंसी कहाँ है यानी बाकी सब किससे जुड़े हुए हैं, इसी से जुड़े हुए हैं CCl3। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CCl3 3, यानी एक दो तीन, तीनों को एक साथ लिख दिया आपने, और अब आप क्या लिख रहे हैं CH, यह आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप अब अगर आपको इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है तो कितने कार्बन लाइन से, एक दो तीन, तो आपको तीन लाइन से शो करने पड़ेंगे। एक बार और समझाना, ये ध्यान से सुनिए, इस कार्बन के साथ एक एच जुड़ा हुआ है, बाकी CCl3 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 CCl3, आप चाहो तो तीनों को एक साथ लिख सकते हो, तीनों ही इस कार्बन से जुड़े हैं, कार्बन की चार वैलेंसी होती है ना, एक हाइड्रोजन और तीन CCl3। अब तो समझ में आ गया, अब इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें वापस आपको एक्सपांडेड से पता चलेगा तीन कार्बन लाइन से है, तो मैंने तीन लाइन कार्बन से जड़ दी। अब हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना, लेकिन एक कार्बन नीचे है यह हमने कर दिया, यानी एक दो तीन, तीनों कार्बन बीच वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, वैसा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इस कार्बन के साथ तीन क्लोरीन है, क्लोरीन को तो शो करना ही पड़ेगा, इसके साथ भी तीन क्लोरीन है और इसके साथ भी तीन क्लोरीन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी, लेकिन हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब आगे अगर इसका ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है तो हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हम चाहते हैं हर चीज इजी वे में हो, सही है। तो इजी वे में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन नहीं लिखना लेकिन इस तरह से लिखना है CCl3 CCl3 CCl3, यानी इस कार्बन से तीन CCl3 जोड़ रहे हैं, हमने तीनों को CCl3 ही लिख दिया, इजी है। अगर आप डॉट बना के ClCl अलग लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा इजी है ये रिप्रेजेंटेशन। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको लिखिए जल्दी। हाँ तो बच्चों कुछ और एग्जांपल्स में हम मेहनत करते हैं जिनके एक्सपांडेड और कंडेंस फॉर्मूला देखते हैं। तो तीन तक तो हो ही गए, चौथा नंबर करें स्टार्ट। देखिए मेरे पास ये है CH CH2 CH2 CH2, क्या सभी कार्बन की चार वैलेंसी है, हाँ। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे,
फिलहाल तो हमने लिखा ही कंडेंस है, अगर हमें इसको एक्सपांडेड लिखना होता तो हमारे पास एच 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 ये हमारे पास एक्सपांडेड होता। अब कंडेंस लिखना है तो सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, ये हमारे पास क्या हो गया, कंडेंस हो गया। अब इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखते हैं, हमें तो सिर्फ कार्बन शो करना है, हाइड्रोजन तो शो करना ही नहीं है, तो तीनों डॉट को मिला दो, तो ये कितना हो गया हमारे लिए, साइक्लोप्रोपेन हो गया, प्रोपेन है और हमने इसका नाम रख रखा है साइक्लोप्रोपेन क्योंकि साइक्लिक करने है। अब आगे अगर यही आपके पास चार कार्बन होते, तो हम कैसे देखते, सेम वैसे ही सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू दिस, और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना देते हम। यही पांच में भी हो सकता है, छह में भी हो सकता है, और भी बहुत सारे एटम में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में पाई बॉन्ड आ जाता, जैसा हम बात कर सकते हैं हमने पांच भी लिया और एक पाई बॉन्ड ले लिया, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, दो, इस कार्बन पे दो, इस कार्बन पे कितने होंगे, दो, लेकिन इस कार्बन पे कितने होंगे, एक, क्योंकि ऑलरेडी एक दो तीन बॉन्ड आ चुके हैं, और इस पे कितने होंगे, एक। आ रही है बात समझ में, आपको चार वैलेंसी से ज्यादा नहीं बनाना, और अब इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड है, बाकी कहीं जगह डबल बॉन्ड नहीं है, तो सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच और सी एच, ये इसका हो गया कंडेंस फॉर्मूला। और ज़्यादा शॉर्ट बनाना है यानी कि डैश लाइन बनाना है, तब आपको ये सिर्फ पाई बॉन्ड बताना है, तो पाई बॉन्ड ऐसे बताया जाएगा, तो ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। तो ये बहुत ईजी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिखिए फास्ट। कुछ और एग्जाम्पल्स पे हम मेहनत करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है सी एच 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 फिर सी एच एच, और इससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, तीन, यानी एक दो तीन। अब इसको कंडेंस फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, सही है। और हमारे पास ये क्या हो गया, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये दो कार्बन और नाइट्रोजन को तो हमें लिखना ही पड़ेगा एन एच टू फॉर्मेट में, ठीक है, यानी एन एच टू आपको यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपके पास सी सी ओ एच जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एच 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 जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास हो गया फाइव सिक्स सेवन एट। अब हमें इसका बनाना है, और हर कार्बन की ध्यान से देखिएगा वैलेंसी चार है हमारे पास, तो अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, सी एच थ्री सी एच ओ एच, ऑक्सीजन को लिखना जरूरी है, और सी एच थ्री। इस तरफ अगर हमें देखना है तो ये हमारे पास तीन कार्बन हो गए, और बीच वाले से क्या जुड़ा हुआ है, ओ एच, तो ये हमारे पास सेवन एट सेवन एट। ये कंडेंस फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, एक्सपांडेड फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक को ले लेता हूं मैं नाइन, मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है सी एच 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 सी एच सी एच, हर कार्बन अपनी चार वैलेंसी रख रहा है, तो इसका हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हम सी एच थ्री लिख देंगे, अब सी एच टू हमारे पास कंटिन्यू है एक दो तीन बार, तो हम सी एच टू तीन बार लिख देंगे, अगर सी एच टू तीन बार लिखा हुआ है मतलब वो लाइन से है, सी एच टू सी एच टू सी एच टू, उसके बाद हम सी एच लिखेंगे, ये सी एच हो गया, ठीक है, और उसके बाद हम सी एच टू लिख देंगे, अगर लास्ट में सी एच टू लिखा हुआ है इसका मतलब ये इसके साथ क्या पाई बॉन्ड बना रहा है, अपने आप आइडिया लग जाएगा ये इसके साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है।
लेकिन आजकल कंडेंस कौन लिखता है, हम तो डायरेक्ट ही सॉलिड ये लाइंस वाला यानी बॉन्ड लाइन वाला हम करते हैं। तो हम कैसे शो करेंगे, एक कार्बन और फिर कंटिन्यू तीन कार्बन, तो ये एक दो तीन सी एच टू वाले हो गए और एक सी एच थ्री वाला हो गया, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास एक और कार्बन, यानी टोटल कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः, और हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः, तो थोड़ा सा हमारे को और एक दो तीन चार पाँच छः, जिसमें ये हमारे पास सी एच थ्री है, सी एच टू सी एच टू सी एच टू, फिर ये सी एच और बाद में सी एच टू, तो कहीं पे भी हमारे को यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिखिए आप इनको, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। ये एक साइक्लिक है जिसमें ओ एच जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये हमारे पास हो गया 10 नंबर। अब हर कार्बन की चार वैलेंसी है, बाकी की वैलेंसी हमारे पास हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, लाइक दिस। अब हमें इसको कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे सोचेंगे, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन हो गए, और ये ओ एच, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, ये आपके पास कंडेंस हो गया, और यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, ये हो गया कंडेंस और एक्सपांडेड, दोनों हमने कर लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस की, तो हमें बहुत इजी लगता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस, हमने ये बनाया OH लगा दिया, हमें हाइड्रोजन शो ही नहीं करना, कितना आसान है। लेकिन अगर यही चीज डबल बॉन्डेड होती, यानी ये कार्बन 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 और यहां डबल बॉन्ड होती है, तो हम कैसे सोचते, हमें बस सिर्फ ओ एच को हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखना है। देखिएगा कैसे, सी कार्बन 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 और यहां पर डबल बॉन्ड और बाकी सब जगह सी एच टू। ध्यान रखिएगा किसी कार्बन की 5 वैलेंसी तो नहीं हो रही है, सही है। और इसका अगर आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो आपको बहुत ही इजीली डबल बॉन्ड ऐसे शो करना पड़ेगा, बहुत इजी है। लिखिए इसको आप, कोई डाउट तो नहीं है, हर चीज समझ में आ रहा है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी दिख रही है, एक दो तीन चार, हाँ एक दो तीन चार, हाँ सब कुछ सिस्टमेटिक दिख रहा है। आप इसको लिखिए जल्दी।